कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभाकक्ष में होलिका दहन, शबे बारात तथा आगामी त्योहार मनाए जाने के संबंध में शांति समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 मार्च को होलिका दहन तथा शबे बारात, 8 मार्च को होली, 9 मार्च को भाईदूज एवं 12 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार जिले में आपसी सद्भाव से मनाए जाने तथा कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी त्योहार आपसी सद्भाव एवं शांति से मनाएं। उन्होंने कहा कि होलिका दहन बिजली के तारों के नीचे नहीं करें, होली पर हरे भरे वृक्ष ना काटने, लकड़ी की जगह गोबर के कंडों का उपयोग करें। कंडे गौशालाओं से निर्धारित राशि जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान लोग नशा करके उत्पात नहीं करें। उन्होंने कहा कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आम लोगों को इस हेतु समझाइश दें। उन्होंने कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग सख्ती से की जाए तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे असामाजिक तत्व समाज में त्योहारों के दौरान आपसी सद्भाव एवं शांति में खलल न डाल सके। उन्होंने निर्देशित किया कि भुरेड़ी के दिन पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था बनाई जाए, साथ ही बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि होलिका दहन तथा शबे बारात एक साथ हैं, जिला प्रशासन त्योहारों के अवसर पर पूर्ण रूप से सतर्क रहेगा। सभी लोग त्योहार आपसी सद्भावना एवं सहिष्णुता के साथ मनाएं। उप पुलिस अधीक्षक श्री सीताराम ससत्या ने कहा कि होलिका दहन के चिन्हित स्थानों एवं आम चौराहों पर पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा। उन्होंने सभी धर्म संप्रदायों के व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए शांति एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने की अपील की। अवैध शराब आदि विक्रय की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान SDM टीकमगढ़ श्री CP पटेल ने बताया कि शहर में 46 स्थानों पर बड़े स्तर पर होलिका दहन किया जाएगा, इन स्थानों विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नजरबाग प्रांगण सहित प्रमुख होलिका दहन स्थलों पर पानी के टैंकर रखे जाएंगे, साथ ही फायर ब्रिगेड तैयार रखे जाएंगे तथा नगर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार में कीचड़, पेंट, जले हुए मोबाइल व अन्य खतरनाक रसायन का उपयोग नहीं किया जाए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बैठक में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से शालीनता से भाईचारे के साथ सभी त्योहार मनाए जाने की अपील की गई। साथ ही बैठक में उपस्थित विभिन्न संप्रदाय के गणमान्य नागरिकों से त्योहारों के मनाए जाने के संबंध में प्रशासन से सहयोग हेतु सुझाव मांगे गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री PS चौहान, CMHO डॉक्टर PK माहौर, तहसीलदार श्री RP तिवारी, संबंधित अधिकारी, समाज सेवी, पत्रकारगण तथा समिति सदस्य उपस्थित रहे। गोविंदास पाल की रिपोर्ट।